हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया। डेली करंट अफेयर सुबह 8 बजे, जनरल साइंस सुबह 9 बजे, मैथ्स मैजिक शाम 5 बजे, रेलवे की रीजनिंग शाम 6 बजे, मंडे टू फ्राइडे बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी के साथ हूं। ग्रुप डी और एएलपी, आरआरबी ग्रुप डी और एएलपी के लिए स्पेशल लाइव सेशन, जनरल साइंस के लाइव सेशन से लेकर जो सुबह 9 बजे डेली क्लास होती है। और आज का हमारा टॉपिक जो हमने कल से पिछली क्लास से सीरीज शुरू की थी उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। और आज का टॉपिक है एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पार्ट टू, जिसका मतलब है संभावित प्रश्न भाग दो। कल हमने कुछ जो पोर्शन था उसको कवर किया था क्वेश्चंस में। आज और देखो, कुछ हमने एक बार बीच में 20 से 21 क्वेश्चन किए थे लेकिन मैंने उनके आंसर्स नहीं बताए थे, उनके आंसर्स हमने डिस्कस नहीं किए थे, तो आज हम उनको करेंगे। फिर क्या होगा कि अभी जो हमारा कल का था वर्क कार्य वर्क एनर्जी वाला, ये वाला पोर्शन अच्छे से कवर हो गया था, ठीक है। आज ग्रेविटेशन और सैटेलाइट वगैरह से जुड़ी हुई जो है क्वेश्चंस, इन्हें अच्छे से कवर कर लेंगे। इसके अलावा जो इंस्ट्रूमेंट और जो यूनिट्स वगैरह का टेस्ट था वो हम पहले ले चुके हैं, इनर्शिया वगैरह का भी हमने, जड़त्व, इन सब का भी अच्छे से कर लिया है, तो आज हम ये कर लेंगे। जो नेक्स्ट क्लास होगी आराम से सुन लीजिए, कल वाली जो नेक्स्ट क्लास होगी 17 क्लास, उसमें हम इन चीजों को कवर करेंगे। जो मैटर की क्वालिटी होती है, प्रत्यास्थता जिसे हिंदी में बोलते हैं, इलास्टिसिटी, सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव बोलते हैं जिसे, कल लंबी क्लास होगी, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे होंगे, एक दो क्वेश्चन कल की क्लास में से 100% आएंगे, हर एक क्लास इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आएंगे, सरफेस टेंशन, प्रेशर, स्ट्रेस, स्ट्रेन मतलब दाब और विकृति वगैरह, ये सब जो चीजें होती हैं इन्हें हम 17th क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो आज का सेशन शुरू करते हैं, सभी को गुड मॉर्निंग। और मेरी बहन, माताएं, छोटे छोटी बहन, बड़ी बहन, दीदी, जितनी भी महिलाएं, जितनी भी नारियां इस देश दुनिया में हैं, उन सभी को विवेक चौधरी का और वाईफाई स्टडी टीम का, टीम की ओर से महिला दिवस की, नारी दिवस की, और कहें तो शक्ति दिवस की, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, नारी अपने आप में एक शक्ति है, उनकी हम सबकी तरफ से महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी की, आप सभी का जीवन बहुत उज्ज्वल और उन्नति पूर्वक रहे, धन्यवाद। तो स्टार्ट करते हैं आज का। और क्वेश्चन सर, फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा, ग्रेविटेशन वाले कॉन्सेप्ट होंगे, कल की तरह समझाता चलूंगा, नहीं समझ में आए मुझे बताना, क्लास लंबी चलेगी, लंबी चली जाए उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बशर्ते आपको समझ में आना चाहिए। ओके, डन। बेटा हिंदी में ही करा रहा हूं, बहुत से लोग कहते हैं सर हिंदी में कराइए, बहुत से कहते हैं सर इंग्लिश में कराइए, तो बाबू मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में कराता हूं, इंग्लिश में भी चीजों को बताता हूं, हिंदी में भी बताता हूं। क्वेश्चन है, 1 न्यूटन इज द फोर्स डेट प्रोड्यूसेस, 1 न्यूटन वह बल है जो उत्पन्न करता है, अपने कॉपी में आंसर लिखते रहिएगा जिससे आपको पता चले स्कोर कितना है, क्योंकि टुडे वी विल डिस्कस स्कोर, आज स्कोर को भी देखेंगे, जिससे 1 सेंटीमीटर का एक्सेलरेशन त्वरण होता है 1 ग्राम की वस्तु में। ऑप्शन नंबर बी है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन होता है 1 किलोग्राम की वस्तु में। सी है, 2 मीटर पर सेकंड का होता है 1 किलोग्राम में। और डी है, इनमें से कोई नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप बताइए 1 न्यूटन फोर्स कितना है। अपनी नोटबुक में लिखते रहिएगा और जब मैं क्वेश्चन कराता हूं, आंसर समझाता हूं, तो मैं छोटी छोटी बहुत सारी चीजें बताता हूं, उनको भी नोट कर लिया कीजिए, बहुत सारी चीजें छोटी छोटी बताता हूं, ठीक है, जल्दी बताइए। शाबाश, बहुत खुशी की बात है, आप बहुत अच्छे से आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड। कुछ लोग गलत कर रहे हैं लेकिन ज्यादातर लोग सही कर रहे हैं। सर हटा दीजिए, देखिए सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आपको याद होगा, न्यूटन का द्वितीय गति नियम, द्वितीय गति नियम, उसमें हमने पढ़ा कि देखो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में क्या था, वहां से आया कि अगर कोई चीज
रेस्ट में है, अगर कोई चीज विराम में है तो वो रेस्ट में रहेगी, अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी। कब तक? जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगे, कोई एक्सटर्नल फोर्स या कोई बाह्य बल ना लगे। तो यहां से जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उसमें एक बल की बात की गई, एक एक्सटर्नल फोर्स की बात की गई, लेकिन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में क्या कहा गया कि जो वो बल होगा वो डायरेक्टली अनु मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चेंज इन मोमेंटम के, संवेग में चेंज के, संवेग में परिवर्तन। आपको पता है ना, अगर कोई वस्तु में m मास है, कितना द्रव्यमान है m, और वो u वेग से गति कर रही है तो उसके अंदर संवेग कितना हो गया p1। अब उसकी वेलोसिटी जो उसका वेग है वो बढ़ गया, कितना हो गया v वेग हो गया, तो उसका सेकंड मोमेंटम कितना हो गया p2। अगर मैं इसको चेंज करूंगा कि कितना बदलाव हुआ, तो दूसरे में से पहले को माइनस करूंगा mv माइनस mu, और यहां से मैंने m को ले लिया कॉमन, तो क्या हो गया मेरा v माइनस u, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और कितनी देर में मोमेंटम चेंज हुआ उसके लिए मैंने किससे डिवाइड कर दिया, t से, तो मेरा क्या आ गया m और v माइनस u अपॉन t। क्या होता है v इक्वल टू u प्लस at, वाली आपने एक इक्वेशन पढ़ी होगी, माइनस इधर आ गया u और t जो था t के साथ a मल्टीप्लाई में है ना t, इधर आके क्या हो गया d, t क्या हो गया इधर आके डिवाइड में, ये सब मैंने पहले पढ़ा चुका हूं। तो v माइनस u अपॉन t किसके इक्वल होता है, a के इक्वल, तो मैंने इसमें एक्सेलरेशन रख दिया, तो इसका मतलब जो फोर्स है वो मास इंटू एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला आ गया, किसमें, सेकंड लॉ ऑफ मोशन में। यहां से सेकंड लॉ ऑफ मोशन से फॉर्मूला आया और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में एक्सटर्नल फोर्स की डेफिनेशन आई। अब क्या कहा गया है, एक न्यूटन फोर्स कितना है, तो देखो मास कितना होना चाहिए, एक किलोग्राम, क्योंकि एम की ऐसा यूनिट क्या होती है केजी, और एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर एक किलो की चीज में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण आ जाए, बात समझ रहे हैं ना, अगर एक किलो द्रव्यमान की वस्तु में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण हो जाए तो फोर्स कितना हो जाता है 1 न्यूटन हो जाता है, क्योंकि हम 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर को किसके नाम से जानते हैं, न्यूटन के नाम से लिखते हैं, न्यूटन को ऑनर में। क्लियर है ये बात, क्योंकि मास की जो एसआई, द्रव्यमान की जो एसआई मात्रक होता है वो किलोग्राम होता है, तो एक के लिए 1 किलोग्राम, और जो एक्सेलरेशन त्वरण का होता है वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आंसर आपका हो जाएगा बी वाला, ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सही, बी वाला। तो फर्स्ट का ऑप्शन क्या हो गया बी, क्वेश्चन नंबर सेकंड बिल्कुल सही, शाबाश, आप लोगों ने, बहुत लोगों ने बहुत सही से आंसर किए हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में चल रहा है, कोशिश कीजिएगा समझने की। एक और बात बता दूं, विज्ञान की बहुत सारी चीजें हिंदी में नहीं आती समझ में, बहुत सारी इंग्लिश में नहीं आती, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है जी, जी छोटा जी जो है स्मॉल जी, एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यूनिट्स कैन बी, क्या कहा गया है समझना, जी जो गुरुत्वाकर्षण त्वरण जिससे पृथ्वी अपनी तरफ चीजों को खींचती है उसके मात्रक क्या हो सकते हैं, इनमें से कौन कौन सा उसका मात्रक हो सकता है, फटाफट से बताइए। सभी को गुड मॉर्निंग, महिलाओं को महिला दिवस की बहुत ज्यादा शुभकामनाएं, हमें, हम सबको उनकी बहुत ज्यादा इज्जत करनी चाहिए, कोई उल्टे सीधे कमेंट नहीं करने चाहिए, छेड़खानी वगैरह, ये एक अच्छे मतलब इंसान की पहचान नहीं होती। कल को कोई हमारी सिस्टर जा रही हो, मम्मी बहन बुआ कोई जा रही हो, उनको छेड़े तो हमें गुस्सा आता है, इसी तरह हमें दूसरों को भी समझना चाहिए। शाबाश, बहुत सारे लोगों को इसमें डाउट है, बहुत सारे लोग सही आंसर कर रहे हैं, सर हटा दीजिए, मैं बताता हूं दोस्तों क्या होती है एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की ऐसा यूनिट क्या क्या हो सकती है। तो देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा, ये जी है, हमने क्या बोला एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, समझ रहे हो ना, किसकी बात आ गई इसमें, एक्सिलरेशन की बात आ गई, त्वरण की बात आ गई, त्वरण की बात आ गई ना, कितनी जल्दी त्वरित होगी चीज, कितनी जल्दी उसकी वेलोसिटी बदल गई, वेग कितना जल्दी परिवर्तन हो गया। तो त्वरण की पहली वाली यूनिट तो त्वरण हो जाएगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर,
हो जाएगी नहीं हो जाएगी? एक तो क्योंकि एक्सेलरेशन की क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसकी भी क्या हो गई, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पहली ए और ए वाली। अब दूसरा देखो, आपको पता है फोर्स क्या होता है, अभी हमने पढ़ा द्रव्यमान इंटू त्वरण, भाई मास इंटू एक्सेलरेशन। इस एक्सेलरेशन की जगह हम जी रख सकते हैं, जब पृथ्वी अपनी तरफ किसी चीज को खींचती है तो ए की जगह क्या आ जाता है, यहां पे जी आ जाता है, इसमें कोई डाउट? ये मल्टीप्लाई में है एम, इधर आके किस में हो जाएगा, भाग डिवाइड में हो जाएगा। अब देखो फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन। मास द्रव्यमान की एसआई मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। तो न्यूटन किलो, न्यूटन पर किलोग्राम भी तो हो सकती है, न्यूटन पर किलोग्राम भी तो हो सकती है इसकी यूनिट, समझ रहे हैं ना? देखो एक तो जी एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात आ गई, तो जी एक्सिलरेशन जहां त्वरण की बात आ गई वहां तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आंख बंद के लिख दो। लेकिन अब कहा यार क्या क्या हो सकती है, तो सेकंड ऑप्शन देखा हमने बी वाला, तो हमें मिला यार न्यूटन पर केजी। बोला दिमाग लगाते हैं, बोला क्या हुआ कि एफ इक्वल टू एम ए होता है, ए की जगह मैंने क्या रख दिया, जी रख दिया, रख दिया ना, तो जी एम मल्टीप्लाई में, इधर आके क्या हो गया, डिवाइड में। फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन। द्रव्यमान की ऐसा यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। तो न्यूटन पर किलोग्राम, तो इसमें दोनों आंसर क्या हो गया सेकंड का, सी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, शाबाश शाबाश, वेरी गुड बेटा। टेस्ट सीरीज आप हमारी वेबसाइट से परचेज कर लीजिए, ये समझ में आ रहे हैं ना दोनों क्वेश्चन? देखो ये छोटी छोटी चीजें जो बोर्ड पे लिख रहा हूं ना, इनसे आपको बहुत फायदा होगा, आप सिर्फ आंसर पे ध्यान मत देना। और यही एक अच्छे स्टूडेंट की खासियत होती है, वो छोटी छोटी चीजें पकड़ने की कोशिश करता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है, सर ऊपर कीजिए क्वेश्चन नंबर थर्ड को, नीचे से दिख नहीं रहा, पहले इसको लिख लो क्वेश्चन नंबर थर्ड का। ये इतना क्वेश्चन समझ लो कि अगर किसी पेंडुलम क्लॉक, आपने वो घरों में ऐसी लटकती वाली क्लॉक देखी होगी, अगर किसी पेंडुलम क्लॉक को इक्वेटर पे लाया जाए, ध्रुव से इक्वेटर पे, तो क्या असर होगा, इसका मुझे बताओ। सर अब अगला पोर्शन लगा दो, शाबाश। अब एनडीए वाले कुछ मेरे बच्चे पूछ रहे हैं, बाबू मैं बता दूं ये जो साइंस की क्लास है ये इक्वली इंपॉर्टेंट है एनडीए के लिए भी, पेपर देख लोगे आधे सारे के सारे क्वेश्चन ना सॉल्व हो जाएं तो मुझे बता देना, बट लेकिन उसको समझेगा कौन? यही तो मेरे दिमाग में नहीं आती चीजें कि आप एक बार खुद से अवेयर क्यों नहीं होते। दिस साइंस क्लास इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द एग्जाम्स, ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, फ्रॉम स्मॉलर टू हाईएस्ट लेवल अप टू आईएएस लेवल, यू कैन सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन दैट इज कमिंग इन एनी एग्जाम फ्रॉम दिस साइंस सेक्शन। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए साइंस का, आप इन क्लास को देख के ना कर पाए तो आप मुझे आके बता दीजिएगा। क्या कहा कि अगर आप किसी पेंडुलम क्लॉक को ध्रुव पोल्स से इक्वेटर पे ले आते हैं, कहां ले आते हैं, पोल्स से इक्वेटर, समझते हो ना, इक्वेटर मतलब भूमध्य रेखा पर। अगर आप किसी को, किसी पेंडुलम क्लॉक को ध्रुव से भूमध्य रेखा पर ले आते हो तो वो क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी, रुक जाएगी, इसमें से कुछ नहीं, हटा दीजिए सर। अब मैं आपको बताता हूं क्या होगा, देखो बच्चा जी, जी की जो वैल्यू होती है पोल्स पे अधिक होती है, जी जो होता है वो पोल्स पे क्या होता है, अधिक कह लो या मैक्सिमम कह लो, ठीक है ये कह लो, जी पोल्स पे अधिक होता है, जी इक्वेटर पे कम होता है, लेस होता है, थोड़ा सा लेस होता है। अब इसी की बात आती है, तो देखो पेंडुलम क्लॉक है ये क्या पेंडुलम क्लॉक, यहां से एक बार इस ए पोजीशन से बी पोजीशन और वापस लौट के फिर सी पोजीशन और वापस लौटने पे ए पोजीशन, मतलब एक जो चक्कर लगाती है, ठीक है पेंडुलम क्लॉक, इसको बोलते हैं आवर्तकाल, क्या बोलते हैं आवर्तकाल या टाइम पीरियड, क्या बोलते हैं टाइम पीरियड, टी किससे दिखाती है, टी से। तो इसका फॉर्मूला होता है, ये मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं है, टू पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, इसको लिख लो, L मतलब ये जो इसकी लंबाई है, ये इस धागे से वो पेंडुलम दोलक लटका हुआ है उसकी लंबाई को आपने क्या कहा, लेंथ, L लंबाई,
और एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये क्या हो गया? गुरुत्वीय त्वरण। ये क्या हो गया? गुरुत्व त्वरण। अब इस फॉर्मूले में सोचो, सोचो कि अगर एल अपॉन जी, समझना, अगर जी क्या हो जाएगा, जी अभी कहां पे? पोल्स पे है, तो जी ज्यादा है, समझ रहे हो ना? जी क्या होगा? ज्यादा। अगर कोई चीज इस तरह से होती है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, कितनी प्रोपोर्शनल होती है? इनवर्सनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं उसको। तो अगर ये घटेगी, अगर ये क्या होगी? ज्यादा, समझो, तो टी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसका मतलब अगर उल्टा हो जाता है, अगर ये ज्यादा होता है तो ये कम, अगर ये कम होता है तो ये ज्यादा। तो अगर जी ज्यादा हो गया तो आवर्तकाल क्या हो गया? कम हो गया। इसका मतलब ये जल्दी जल्दी चलेगी, ध्रुव पे क्या चलेगी? जल्दी जल्दी। लेकिन जैसे ही घड़ी को ध्रुव से कहां लेकर आए? इक्वेटर पे, जी की वैल्यू क्या हो गई? कम। जैसे मैंने क्या बताया, अगर ये ज्यादा तो ये कम, और अगर ये कम हो गया, अगर जी कम हो गई तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसका मतलब एक चक्कर लगाने में उसे ज्यादा समय लगेगा, ज्यादा समय लगेगा। तो एक सेकंड, अगर एक चक्कर एक सेकंड में लगाता था तो अब वो एक चक्कर एक सेकंड से ज्यादा समय में लगाएगा। तो इसका मतलब घड़ी क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। घड़ी कैसी हो जाएगी? धीमी हो जाएगी। अगर इक्वेटर पे जी की वैल्यू कम हो जाती है, जिसके कारण जो दोलक होता है उसको एक चक्कर पूरा करने में जो समय होता है वो इंक्रीज हो जाता है। अगर समय बढ़ जाएगा एक चक्कर लगाने में दोलक पेंडुलम को, तो घड़ी क्या हो जाएगी? स्लो, क्योंकि जो एक सेकंड पहले एक सेकंड में होती थी अब वो थोड़ा बढ़ जाएगा। और अगर समय बढ़ता है तो क्या कहेंगे? घड़ी स्लो हो गई। घड़ी क्या हो जाएगी? स्लो, इट बिकम धीमी। क्या हो जाएगी? वो धीमी हो जाएगी। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ए वाला। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए वाला। समझ में आया ना बाबू? कितने आराम से मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं, कितने इजी वे में, इतने आराम से बता रहा हूं। अब भी कह रहे हो स्लो करिए, हो जाएगा ना? क्लियर है ये? फटाफट से बताओ, ये क्वेश्चन समझ में आया और अच्छा लग रहा हो तो बच्चा लाइक कर दीजिए, जल्दी बताइए। शाबाश, वेरी गुड। श्योर बच्चे, जिनकी फर्स्ट क्लास है उनके लिए बहुत ज्यादा वेलकम, शुभकामनाएं बच्चे। देखो फिर से बताता हूं, चलो इस चीज को बहुत आसानी से करते हैं, मेरी बात समझना। देखो जो पोल्स होते हैं ना, पोल्स यहां पे मान लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड वैल्यू होती है जी की, समझ रहे हो? यहां पे कितनी वैल्यू होती है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन जो इक्वेटर होता है यहां पे लगभग 9.73 होती है, समझना ये बात। अब जो पेंडुलम होता है जिसे हम हिंदी में दोलक बोलते हैं, तो दोलन घड़ी या दोलक घड़ी, तो ये एक चक्कर यहां गया, मान लो ये ए पोजीशन है इसकी मिडिल वाली, फिर बी पे पहुंचा, लौट के फिर सी पे आया और फिर ए पे, तो इस तरह से इसने एक चक्कर कंप्लीट कर लिया, मान रहे हो ना? एक चक्कर लगने में इसको कितना समय लगा? टी। टी समय जो है ये इस फॉर्मूले के इक्वल है। एल माने इसकी कितनी लंबाई है और जी माने इसको धरती या कोई चीज अपनी तरफ कितनी खींच रही है, एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्व त्वरण। ये चीज क्लियर है? अब समझो, अगर इसकी वैल्यू ज्यादा है, 9.8 रखता हूं यहां पे, तो अगर इसकी वैल्यू ज्यादा होगी तो ये कैसे है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है, इनको व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं, मतलब एक घटता है तो दूसरा बढ़ता है, ये ज्यादा तो ये कम। इसका मतलब एक चक्कर लगाने में इसको कम समय लगेगा, कहां पे? पोल्स पे। जब ये जल्दी जल्दी चक्कर लगाएगी तो घड़ी क्या है? फास्ट है, ठीक है। अब यहां से कहां ले आए? इक्वेटर पे ले आए, तो टाइम पीरियड क्या हो गया? बढ़ गया, क्योंकि जी की वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई, 9.73 हो गई, जी की वैल्यू कम हो गई, टाइम बढ़ गया, और टाइम बढ़ गया तो एक चक्कर लगाने में उसे बहुत समय लग रहा है, समय लग रहा है तो घड़ी क्या हो गई? स्लो हो गई। जबकि अगर लंबाई बढ़ाते हैं दोलक की, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं? टी और लंबाई, ये दोनों सामने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समानुपाती या क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, तो
तो क्या हो जाएगा, अगर लंबाई बढ़ेगी तो टाइम बढ़ेगा, लंबाई घटेगी तो टाइम घटेगा, ठीक है। इसीलिए अगर छोटा पेंडुलम है उसकी लंबाई कम है धागे की तो वो जल्दी जल्दी गति करेगी, और लंबाई ज्यादा हो गई तो वो देर से गति करेगी। इसीलिए ये सब कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसका आंसर हो गया ए वाला कि वो स्लो हो जाएगी। कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ समझ के करो, अपने आप चीजें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, शाबाश, थैंक यू वेरी मच, समझ के करेंगे चीजों को बाबू। और मैं कोशिश कर रहा हूं हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में करने की, इसीलिए दोलक भी बोलता हूं, पेंडुलम भी बोलता हूं, गुरुत्व त्वरण भी बोलता हूं, परेशान मत होइएगा, मेरा मकसद है चीजें आनी चाहिए बस। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। एक बार ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब समझने की कोशिश कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 4 को। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। समझना, मैं पढ़ रहा हूं, इसमें थोड़ी राइटिंग वैसी है। ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है, सैटेलाइट का क्वेश्चन है उपग्रह का, कि जो एक उपग्रह किसी ग्रह के चारों ओर, किसी प्लैनेट के चारों ओर जो सैटेलाइट चक्कर लगाते हैं उनकी जो वेलोसिटी होती है उसे ऑर्बिटल वेलोसिटी या कक्षीय वेग कहते हैं। तो इसमें कहा गया है कि जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है वो मास पे डिपेंड नहीं होती, उपग्रह का कितना वजन है इस पे निर्भर नहीं करती। सेकंड ऑप्शन है, डिफरेंट मासेस सैटेलाइट्स हैव सेम ऑर्बिटल वेलोसिटी इन अ सेम ऑर्बिट, अगर एक ऑर्बिट में अलग अलग मास के कई सैटेलाइट हैं, किसी का वजन 10 किलो है, किसी का वजन 100 किलो है, किसी का 1000 किलो है, तो उन सब की जो वेलोसिटी होगी, ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी, वो सेम होगी, भिन्न भिन्न द्रव्यमानों के उपग्रह की, उपग्रह का कक्षीय वेग एक कक्षा में समान होता है। सी वाला कहा है कि अगर दो सैटेलाइट हैं और वो सेम मास है, कहने का मतलब दो सैटेलाइट हैं और दोनों का मास कैसा है, सेम है, दो सैटेलाइट है, दोनों का मास सेम है, दोनों का द्रव्यमान समान है, तो उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी ज्यादा होगी जो धरती के ज्यादा पास घूम रहा होगा। मान लो ए सैटेलाइट है, इसका वजन 10 किलो, बी सैटेलाइट है, इसका वजन भी 10 किलो, तो कहा है कि ये हो गई हमारी पृथ्वी, तो उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी ज्यादा होगी जो धरती के ज्यादा करीब होगा। तो सर अब इनको हटा दीजिए, इनको मैं अब उसको बता देता हूं, जो धरती के ज्यादा करीब होगा उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो देखो, मैंने एक फॉर्मूला आपको कुछ दिन पहले बताया था कि जो कक्षीय वेग होता है, कोई उपग्रह किसी ग्रह के चारों ओर जिस रास्ते में चलता है उसको हिंदी में ऑर्बिट, इंग्लिश में ऑर्बिट और हिंदी में कक्षा बोलते हैं, समझ रहे हो, और वो जिस वेग से चलता है उसको हम ऑर्बिटल वेलोसिटी या कक्षीय वेग कहते हैं। किसी ग्रह के चारों तरफ उपग्रह जिस वेग से गति करता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी। उसका मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको कि v ऑर्बिटल कक्षीय वेग इक्वल टू अंडर रूट जी स्मॉल जी आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस एच। ठीक है, क्या कहा गया मैंने कि जो कक्षीय वेग होता है, ठीक है, ये है ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब इसमें एक बात बताओ, कहीं भी द्रव्यमान दिख रहा है, कहीं भी m नाम की चीज दिख रही है आपको कि सैटेलाइट का मास, तो सबसे पहली बात, जो पहला इसमें ऑप्शन था वो यही था, क्या ऑप्शन था कि द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती। तो देखो, इसके फॉर्मूले में कहीं भी द्रव्यमान आ रहा है, कहीं भी मास आपको दिखाई दे रहा है, नहीं, तो पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो गया कि चाहे कितना भी 100 किलो का हो, 10 किलो का हो, 50 किलो का हो, 50 किलो का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होगी। पहली चीज क्लियर होगी। दूसरा ऑप्शन है कि अगर एक सैटेलाइट का वजन 100 किलो है, एक सैटेलाइट का वजन 10 किलो है,
एक सैटेलाइट का वजन 100,110 किलो है, लेकिन ये पृथ्वी से बराबर दूरी पे है। मान लो 36,000 किलोमीटर, ये भी 36,000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर, और ये भी 36,000 किलोमीटर। तो इन तीनों की जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी वो सेम होगी। क्या कहा मैंने, फिर से सुन लो। जो कक्षीय वेग होता है, ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है, वो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती। पहला ऑप्शन सही। अगर द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती, तो अगर एक कक्षा में ये भी 36,000 किलोमीटर वाली में, ये भी 36,000 वाली में, ये भी 36,000 वाली में घूम रहे हैं, तो इन तीनों की जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी वो बराबर होगी, क्योंकि इनका मास बेशक अलग अलग है लेकिन ये सेम ऑर्बिट में है। और अगर एक कक्षा में होते हैं तो उनकी वेलोसिटी, उनका वेग बराबर होता है। सेकंड वाला भी ठीक हो गया। थर्ड वाला कहता है कि दो अलग अलग, दो सेम मास के क्या हैं, सैटेलाइट हैं। मतलब कि एक सैटेलाइट है, इसका वजन भी 10 किलो है, ए वाले का, समझ रहे हो। दूसरा सैटेलाइट है बी वाला, उसका वजन भी 10 किलो है, तो दोनों का द्रव्यमान सेम हो गया। अब जो धरती के ज्यादा पास होगा, मान लो ये 10,000 किलोमीटर पे है, 1,000 पे, और ये 5,000 किलोमीटर पे है, तो जो धरती के ज्यादा पास होगा उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी ज्यादा होगी, उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, डी, ऑल ऑफ दीज, सारे के सारे सही हैं। क्लियर है, क्लियर हुई ना ये बात, शाबाश। इसमें सारे के सारे बिल्कुल सही हैं, ना तो मास पे डिपेंड करती ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब देखो क्यों है, क्योंकि अगर ये ज्यादा होगा, ये ज्यादा होगा तो वेलोसिटी क्या होगी, कम। तो अगर 5,000 होगा ये जो रेडियस है, जो हाइट है, तो वेलोसिटी कम हो जाएगी। और अगर ये कम हो गया, 1,000 किलोमीटर हो गया, तो सोचो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने सी वाला, तो ऑप्शन क्या हो गया, डी। अगला क्वेश्चन लगाइए सर। थैंक यू, आया ना बच्चे। हाँ बाबू, जिसकी फर्स्ट क्लास है वो क्या कीजिए कि आप लोग पहले की क्लास को कंप्लीट कीजिए। ये सब कॉन्सेप्ट में अच्छे से समझा चुका हूं, सो इसलिए आपको पहली क्लास बतानी, कंप्लीट करनी होगी। और ये वाले जो मैंने डायग्राम बना के समझाए ना, इनको अपनी कॉपी में उतार लो, थोड़ा सीरियस स्टडी कर लो, ये सब में आएगा, हर एक में। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, शाबाश शाबाश, जिसके सारे सही हो रहे हैं। ये मत समझना कि कितने स्लो चल रहे हैं, समझना कि जो हम स्लो भी चल रहे हैं ना बाबू, धीमा गति से अगर हम पढ़ रहे हैं, हमारी पेंडुलम धीमा हो गया है, तो भी ये समझ लेना कि ये धीमी चाल आपको एग्जाम में घोड़े की चाल से दौड़ाएगी, और रेस के घोड़े, जीतने वाले रेस के घोड़े की चाल से। क्वेश्चन नंबर है, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। अगर किसी उपग्रह की कक्षीय चाल 11.4 किलोमीटर पर सेकंड बढ़ा दी जाती है, मतलब उसकी चाल कितनी हो गई, 11.4 किलोमीटर पर सेकंड, तो उस पर क्या प्रभाव होगा। इफ द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट इंक्रीजेस टू 11.4 किलोमीटर पर सेकंड, व्हाट विल हैपन। शाबाश, वेरी गुड भाई, वाह, मजा आ गया, बहुत ज्यादा आपको चीजें आती हैं, वेरी गुड। वह अंतरिक्ष में चला जाएगा, इट विल एस्केप टू स्पेस, इट फॉल्स ऑन अर्थ, वह धरती पर गिर पड़ेगा, वह धीमा हो जाएगा, या नहीं बता सकते, हटा दीजिए सर। शाबाश शाबाश दोस्तों, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे से आप सभी लोग आंसर कर रहे हैं, शाबाश। पूरे भारत से देखो कितने आप युवा, आप कितने अच्छे अच्छे दोस्त, साथी, भाई बहन इकट्ठे हो रहे हैं, बिना जाति पाति के, भेदभाव के, बिना किसी उसके हम पढ़ रहे हैं। और यही मेरे भी जीवन का यही उद्देश्य है कि इस दुनिया में हम बिना जाति पाति के, धर्म के, भेदभाव के, एक दिन बहुत ही ब्रदरहुड, भाईचारे से रहें। तो पहली चीज क्या आई, और एस्केप वेलोसिटी, मैंने आपको एक बताया था पलायन वेग, बताया था ना पलायन वेग। इसका मतलब अगर हम इस वेग से 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से ज्यादा अगर किसी भी चीज को ऊपर की तरफ, धरती से ऊपर की तरफ उछालें, तो वो वापस नहीं आएगी, वो कहां चली जाएगी, धरती के गुरुत्वाकर्षण को छोड़कर स्पेस या अंतरिक्ष में चली जाएगी। मैंने आपको यह बताया था,
कि अगर हम किसी भी चीज को 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की ज्यादा गति से उछालें तो वो कहां चली जाएगी? अंतरिक्ष में चली जाएगी। इस क्वेश्चन का मतलब भी यही था कि अगर किसी की जो सैटेलाइट की स्पीड है, ठीक है, वो 11.4 किलोमीटर पर सेकंड हो जाती है और हमने किसकी बात की थी 11.2, तो 11.2 तो इससे 11.4 तो इससे ज्यादा है, इसका मतलब वो अपनी कक्षा को छोड़कर कहां चला जाएगा? स्पेस या अंतरिक्ष में पलायन कर जाएगा। पलायन वेग, शाबाश, पलायन वेग, वो अंतरिक्ष में चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, तो ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ए। वेरी गुड, कंफ्यूज नहीं होना बच्चा। बाबू नाम नहीं लूंगा मैं किसी का, नाम के लिए आपने क्या काम किया है? आप जॉब लेके आइए एएलपी या ग्रुप डी की और यहां पे मैं आपको झुककर 101 बार आपका नाम लूंगा, जितने भी जॉब लेंगे उनका 101 बार, ठीक है, ये मेरा वादा है। सारे आपके जितने भी नाम नहीं ले रहा उन सबका बदला पूरा कर दूंगा, लेकिन जॉब तो लेके आइए। क्वेश्चन नंबर 6 कितना अच्छा क्वेश्चन है, अगर हम किसी टेनिस बॉल को पहाड़ों पर उछालते हैं तो क्या होगा? आया हुआ क्वेश्चन है, इफ वी टॉस अ टेनिस बॉल ऑन माउंटेन्स क्या होगा? हाँ एयरफोर्स, मैं क्या कह रहा हूं बाबू, भारत का कोई एग्जाम क्वेश्चन दिखा दो जितना मैंने पढ़ाया है, एक भी क्वेश्चन बाहर आया हो तो पढ़ाई बंद, मुझे दिखा दो। इसलिए मैं कहता हूं ये बहुत जरूरी है तुम सबके लिए। बताइए, शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड। अब इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, छोटे जी वाला, जो स्मॉल जी की बात करते हैं हम, गुरुत्वीय त्वरण की, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो क्या होगा कि जो जी होता है वो पहाड़ों पर कम होता है, पहाड़ों पर कम। अब कहोगे सर फालतू मत बताइए, पहाड़ों पर कम कैसे होगा, झूठ बोल रहे हो। तो मैंने क्या बताया था, ये पृथ्वी की सतह है, ये क्या है, पृथ्वी की सतह, सरफेस ऑफ अर्थ। इससे ऊपर जाओगे तो जी की वैल्यू घटेगी, जी विल डिक्रीज इफ यू गो बियॉन्ड सरफेस। इससे नीचे जाओगे तो भी घटेगी, सबसे ज्यादा कहां होगी, सतह पर। लेकिन आप सतह छोड़कर कहां चले गए, पहाड़ों पर चले गए। आप कहां चले गए, माउंटेन्स पर, पहाड़ों पर, और पहाड़ों पर जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम, लेस। और पहाड़ों पर अगर जी की वैल्यू लेस हो जाएगी तो आपने कोई चीज उछाली तो जी की वजह से जी कम है तो चक्कर खा के और ज्यादा बाउंस करेगी, ज्यादा बाउंस करेगी। अगर जी ज्यादा होता तो वो उसे अपनी तरफ खींच के रखता, वो उतना बाउंस नहीं करने देता, लेकिन जी क्या हो गया, कम हो गया, जिसकी वजह से वो ज्यादा बाउंस करेगी। तो ऑप्शन नंबर ए 6 का क्या हो गया, ए, ज्यादा बाउंस, इट विल बाउंस मोर, वह अधिक बाउंस करेगी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो गया, ए, शाबाश। हाँ बेटा, डेली क्लास सुबह 9 बजे होती है सोमवार से शुक्रवार, और इस बार कल अगर हम उनको कंप्लीट कर लेते हैं 1 से 2 घंटे की क्लास में, 4-5 टॉपिक हैं, तो फिर हम परसों शनिवार को भी एक स्पेशल क्लास रखेंगे। बहुत सारे लोग उंगली करते हैं मत रखिए, पर मैं रखूंगा, मैं चाहता हूं कि कल वाले कॉन्सेप्ट को परसों क्वेश्चंस में कर लें, समय अपने पास कम है तो हमें अच्छे से पढ़ाई करनी है तो क्वेश्चंस वगैरह डेली करते रहना होगा। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, जी सरफेस पे सबसे ज्यादा होता है और जैसे ऊपर जाओगे माउंटेन्स पे, पहाड़ों पर, तो जी की वैल्यू घटेगी क्योंकि रेडियस ऑफ अर्थ से दूर होते जा रहे हैं। पहले एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर लो, फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री भी होगी, बायो भी होगी, सब अपने टाइम पर होंगी, सारे सब्जेक्ट फिजिक्स साइंस के मैं ही कराऊंगा। अगला क्वेश्चन, वेरी गुड बेटा, बच्चे लाइक कर देना दोस्तों साथियों। क्वेश्चन नंबर 7th, देखो इसको आपको बताना है, पहले इसका वो सुन लो, 3 ऑब्जेक्ट ऑफ मास m1 m2 एंड m3, तीन अलग अलग मास की ऑब्जेक्ट हैं, एक का वजन m1 है, एक का वजन m2 है, एक का वजन m3 है, समझ रहे हो?
दोनों को किसी ऊंचाई से निर्वात में गिराया गया, दोनों को किसी ऊंचाई से निर्वात में गिराया गया, समझ रहे हैं ना। उनको नीचे आने में T1, T2 और T3 टाइम लगा। किन्हीं भी चीजों को तीन चीज है, एक का वजन M1, एक का वजन M2, एक का वजन M3, इसको T1 टाइम लगा, इसको T2, इसको T3, ठीक है। कहां? वैक्यूम में, निर्वात में। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है, T1, T2, T3 इक्वल है, या T3 सबसे ज्यादा है, या T1 सबसे ज्यादा है, या T1, T2 इक्वल है, T3 से ज्यादा है। शाबाश सर, हटा दीजिए क्वेश्चन। शाबाश, गुड, वेरी गुड। देखो बाबू, मैंने क्या बताया था, जब वैक्यूम की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, वैक्यूम या निर्वात, तो वैक्यूम का मतलब होता है यहां पर ना हवा है, यहां पर कोई भी कण नहीं है, नो पार्टिकल, कोई कण नहीं, कोई भी कण नहीं, तो वो जगह क्या होती है, वो जगह होती है निर्वात या वैक्यूम। तो मैंने आपको बताया था, अगर वैक्यूम में आप M1 को गिरा रहे हो, M2 को गिरा रहे हो, M3 को गिरा रहे हो, तो इनको लगने में T1, T2 और T3 समय क्या होगा, इक्वल होगा, ये सेम समय के साथ गिरेंगी। इसका मतलब, क्योंकि निर्वात में इनको सेम जी लगेगा, ये क्या होगा, जी समान होगा, तीनों पे जी क्या होगा, समान होगा, जिसकी वजह से ये नीचे एक समय पे गिरेंगी। अगर इसको एक सेकंड लग रही है तो इसको भी एक सेकंड, इसको भी एक सेकंड। दूसरी बात, लेकिन अगर हम इसी को धरती पर गिराएं, कहां गिराएं, पृथ्वी पर, ठीक है, तो वो निर्भर करेगा किसका मास ज्यादा है। मान लो M1, M2, M3, तो M1 सबसे ज्यादा है, तो M1 सबसे पहले गिरेगी। याद रखिएगा, अगर हम किसी चीज को धरती पर गिराएं और तो उसका जिसका सबसे ज्यादा मास है वो पहले गिरेगी, लेकिन अगर वैक्यूम में गिराते हैं निर्वात में, तो तीनों की तीनों एक साथ गिरेंगी, कोई मास पे डिपेंड नहीं करेगा। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि आपको एक पत्थर दे देगा और एक पंख, अब अपने आप दिमाग लगाओ कौन सा ज्यादा भारी होता है, पत्थर ज्यादा भारी होता है, तो धरती पर पत्थर पहले गिरेगा, इसको पहुंचने में कम टाइम लगेगा, क्योंकि पंख पे, धरती पे तो हवा होती है ना, तो पंख पे धरती पर जो हवा है वो बल लगाएगी, उसको नीचे गिरने से रोकेगी। लेकिन वैक्यूम में तो कोई पार्टिकल होता ही नहीं है, कोई कण होता ही नहीं है, हवा वगैरह, तो वहां पत्थर और पंख दोनों बराबर समय में गिरेंगे। ये चीज समझ रहे हैं आप, अंतरिक्ष में वैक्यूम होता है, वहां पे दोनों बराबर, तो वैक्यूम की जगह कोई ऐसी जगह भी बता सकता है, जहां आप दिमाग से सोच लेना कि यहां पर वैक्यूम होता है या नहीं होता। अगला क्वेश्चन सर, शाबाश, बहुत अच्छी बात है बच्चे। और वुमेन्स के लिए, जो हमारी बहनें देख रही हैं, उनके लिए, मेरी बहनों के लिए एक चीज है कि फूल जैसी कोमल नारी, कांटे जितनी कठोर नारी, गुस्सा जाए तो कांटे जितनी कठोर नारी, अपने को हिफाजत में सबसे अव्वल नारी, दुखों को दूर कर खुशियों को समेटे नारी, फिर लोग क्यों कहते तेरा अस्तित्व क्या नारी, जब अपने छोटे छोटे ख्वाहिशों को जीने लगती नारी, दुनिया दिखाती हुए है, दुनिया दिखाती है उसे उसके दायरे सारी, अपने धर्म में बंधी नारी, अपने कर्म में बंधी नारी, अपनों की खुशी के लिए खुद के सपने करती कुर्बान नारी, जब भी सब्र का बाण टूटे तो सब पर भारी नारी, फूल जैसी कोमल नारी, कांटों जितनी कठोर नारी। वो कहते हैं ना, हूं मैं नारी सब पे भारी, मत समझो मुझे बेचारी, अगर आ गई अपने पर तो भागेगी दुनिया सारी। ये तो अभी बनाया मैंने चार एक ही मिनट में, ठीक है चलो, थैंक यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तरफ केपलर्स के लॉस दे रखे हैं, केपलर के नियम, दूसरी तरफ उनसे क्या निकला, केपलर के किस नियम में क्या है, आपको बताना है फटाफट से। ए बी सी तीन ऑप्शन है, डी नहीं है। शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड। वेरी गुड। सेकंड लॉ ऑफ केपलर क्या बताता है, सेकंड लॉ, तो सेकंड लॉ बताता है एरियल वेलोसिटी।
आपने मैंने केपलर के नियम बनाए थे, अच्छे से बताए थे, तो सेकंड लॉ जो बताता है, सर इनको हटा दीजिए, तो इसका जो ऑप्शन है वो बताता है दो एक और तीन, इसका क्या है? सेकंड लॉ बताता है एरियल वेलोसिटी, फर्स्ट लॉ बताता है इलिप्टिकल ऑर्बिट, तो बी का हो जाएगा थ्री, टू का हो जाएगा टू, बी का हो जाएगा थ्री। इसमें मैंने ऑप्शन गलत लिखे हैं क्या? फर्स्ट लॉ देखो, इसको ऐसे समझ लो, अपने आप इनको मैच कर लीजिएगा। जो सेकंड लॉ ऑफ होता है ऐसे है कि ये है सूरज, यहां पे क्या है सन, तो मान लो T1 समय में इतना एरिया कवर किया A से B पे, कोई ग्रह घूमता घूमता A से B पे पहुंच गया T1 समय में, तो उसने कितना एरिया कवर किया? इतना एरिया कवर किया। तो याद रखिएगा, जब वो यहां पे आ जाएगा सूरज के पास, यहां पे सूरज से दूर है ना ग्रह, तो इसमें भी सेम एरिया कवर करेगा। A1 और A2 क्या होंगे? बराबर होंगे। कहने का मतलब है जब दूर था तो मान लो उसने T1 समय में इतना एरिया कवर किया, तो उसकी स्पीड क्या थी? कम। जब दूर होता है ना सूरज से तो ग्रह की स्पीड कम हो जाती है, जैसे ही पास आएगा उतने समय में ही फिर से बराबर एरिया कवर करेगा। क्यों? क्योंकि इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो एक समय में T1 और T2 ये दोनों इक्वल हैं, तो जो एरिया कवर करेगा वो भी इक्वल होगा। इसका मतलब जब दूर होगा तो स्पीड क्या हो जाएगी? ऑर्बिटल वेलोसिटी कम, और जब पास होगा तो इंक्रीज हो जाएगी। तो सेकंड में जो ये ए वाला ऑप्शन है, इसका हो जाएगा सेकंड लॉ का ए का हो जाएगा दो एरियल वेलोसिटी। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो कहा गया है, ठीक है, बी वाले में जो फर्स्ट लॉ की बात की गई है वो हो जाएगा इलिप्टिकल ऑर्बिट, दीर्घ वृत्ताकार, ठीक है। और सी वाला थर्ड लॉ, इसमें मैंने ऑप्शन शायद गलत दिए हैं, थर्ड लॉ क्या हो जाएगा? रिवॉल्यूशन, ग्रहों का परिक्रमण, कि जो जितनी ज्यादा दूर होगा, मान लो यहां पे नेपच्यून है ना, है नेपच्यून जिसे बोलते हो, और यहां पे अर्थ है, तो जो जितनी पास होगा उसको कम समय, कम रिवॉल्यूशन में कम समय लगेगा। मतलब हमारे एक सूरज के चक्कर लगाने में कितने समय लगते हैं? 365 दिन लगते, नहीं लगते हैं धरती पे, जबकि जो जितना ज्यादा दूर होगा सूरज से उसको उतना ही समय लगेगा। इसको तो बहुत सारी साल लगती हैं, 183 साल से ज्यादा समय लगता है किसको? नेपच्यून को। तो थर्ड लॉ ऑफ क्या बताता है? रिवॉल्यूशन। तो इसके जो ऑप्शन है वो हो जाएंगे 2, 3, 1। डी वाला डाल दो, 2, 3, 1, ये वाले ऑप्शन कर लो, ठीक है ना? हां 2, 3, 1 कर लो इसके ऑप्शंस को। टाइम वाली बात थर्ड में, उसमें रिवॉल्यूशन की कही गई है, टाइम मतलब रिवॉल्यूशन, कितना समय लग रहा है थर्ड में, ये मैंने अच्छे से समझाया है आपको कि जो जितने पास होगा सूरज के उसको उतना कम समय लगेगा। तो सबसे कम समय किसे लगता है? मरकरी, बुध को, और सबसे ज्यादा जो सबसे दूर होगा नेपच्यून को। इसमें ये वाला याद है ना, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, कि समय का जो स्क्वायर होगा वो जितनी दूर होगी त्रिज्या उसके क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो जितना ज्यादा रेडियस उतना ज्यादा समय। तो नेपच्यून बहुत ज्यादा दूर है, त्रिज्या ज्यादा है, तो उतना ही। 2, 3, 1 क्लियर है ना? शाबाश। क्वेश्चन नंबर 9, शाबाश। हाँ बेटा, बताया ना, सेकंड लॉ हो गया एरियल वेलोसिटी, फर्स्ट लॉ हो गया इलिप्टिकल ऑर्बिट, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा, और थर्ड हो गया अगला वाला। अगला क्वेश्चन है, इनमें से हमेशा कौन सा अट्रैक्टिव होता है? कौन सा हमेशा अट्रैक्टिव होता है, मतलब खींचता है अपनी तरफ? ए बी सी डी, ग्रेविटेशनल वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, दुर्बल परमाणु बल, शक्तिशाली परमाणु बल, या चुंबकीय बल। जिसकी फर्स्ट क्लास है बहुत ज्यादा वेलकम, सब्सक्राइब कर लीजिए, मन हो तो दोस्तों लाइक कर दीजिए,
क्योंकि लाइक से ऊर्जा मिलती है, तो असर हटा दीजिए, क्वेश्चन नेक्स्ट लगा दीजिए। बेटा इसका क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 9 का, जो ग्रेविटेशन होता है, जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, वो हमेशा अट्रैक्टिव होता है क्योंकि वो चीजों को अपनी तरफ खींचता है, हमेशा आकर्षण होता है उसमें, हमेशा अट्रैक्शन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ए, हमेशा उसमें क्या होता है, अट्रैक्टिव। जिसको कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो, तो साथियों एक बार में कोई चीज समझ नहीं आती, ऐसे बहुत से काम होते हैं जो हम बार बार करते हैं, तो आप वीडियो को दोबारा देखिएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए। ठीक है, शाबाश, लाइक कर दीजिएगा जिससे कि ऊर्जा का बराबर संचार होता रहे आपसे मेरी तरफ, क्योंकि ऊर्जा ना बनती है ना उसका विनाश होता है, नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, ट्रांसफॉर्म होती है, आप में से मुझ में से आप में। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ए, क्वेश्चन नंबर 10 से जल्दी जल्दी कीजिए थोड़ा, कितना अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ही दमदार क्वेश्चन है, रामबाण क्वेश्चन। सभी को डिफाइन भी मैंने किया है, वीक न्यूक्लियर फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स, इन सबको मैंने वीडियो में डिफाइन किया है। बच्चा लोग मैंने पहले कॉन्सेप्ट कराए तब मैं क्वेश्चन कराता हूं, कोई बात नहीं, सारे आपके सही जाएंगे। जिसकी पहली क्लास है बाबू, वो जो पढ़ाया जा रहा उसको देखो। एक लड़की ने 4 पत्थर एक समान शुरुआती वेग से एक दिशा में फेंके, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 और 60 के एंगल बनाकर। अ गर्ल थ्रो 4 स्टोन्स ऑफ सेम साइज शेप मास ऑफ सेम साइज शेप सेम इनिशियल वेलोसिटी 15, 30, 45, सबसे ज्यादा डिस्टेंस कौन कवर करेगा, कौन अधिक दूरी पर जाकर गिरेगा, कौन अधिक दूरी पर जाकर गिरेगा। तो रेंज परास बोला था ना, u² sin 2 थीटा पहुंची। अगर किसी को कितने एंगल से फेंके कि वो चीज अधिक दूरी कवर करे, ये है क्वेश्चन। देखो ये प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है कि किस, एक लड़की है उसने 4 पत्थर फेंके, एक 15 डिग्री पर, एक 30 डिग्री पर, एक 45 पर और एक 60 डिग्री पर, समझ रहे हैं? तो कौन सा ज्यादा अधिक कवर करेगा, यहां से कौन सा ज्यादा दूर दूरी पे जाके गिरेगा। तो ये फॉर्मूला होता है रेंज का, u² sin 2 थीटा अपॉन g, समझ रहे हैं? तो जो 45 डिग्री वाला एंगल होता है ना, इस पे सबसे अधिक दूरी कवर करती है चीज, 45 डिग्री पे सबसे अधिक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का मतलब है ये वाला 36 दूरी, कौन अधिक दूरी पर जाकर गिरेगा। तो रेंज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, u² sin 2 थीटा अपॉन g। तो थीटा कितना होना चाहिए, 45 डिग्री, 45 डिग्री पे ये सबसे अधिक दूरी तय करेगा। गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 ये वाला क्वेश्चन आपसे दिमाग मारेगा, ये वाला क्वेश्चन आपसे दिमाग लेगा, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे जैसे करा रहे हैं सब, ये आए हुए क्वेश्चन है, बस मैंने वैल्यू चेंज कर दी है और मैंने क्या किया है कि इसको थोड़ा सा चीजों को बदल दिया है हल्का सा, कि आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट आए। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, ठीक है अगला क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन है कि संवेग में परिवर्तन, चेंज इन मोमेंटम। हां मुझे पता था फंसोगे, कुछ ने बहुत अच्छा आंसर दिया है, शाबाश। चेंज इन मोमेंटम, इंपल्स, त्वरण, वेग, फोर्स, आवेग, एक्सिलरेशन, वेलोसिटी, बल। सर हटा दीजिए, संवेग में परिवर्तन, चेंज इन मोमेंटम। देखो संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन और संवेग में परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर, ये दोनों अलग अलग होते हैं। चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन
मोमेंटम और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये बाबू दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये एक चीज है, ये दो चीज हैं, दोनों डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं। आप लोगों ने इसको एक मानकर आंसर किया है। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एम वी माइनस एम यू, इसमें हमेशा टी से डिवाइड होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एम वी माइनस एम यू अपॉन टी, ये किसके इक्वल होता है? फोर्स के। किसके इक्वल होता है? क्योंकि v माइनस यू अपॉन टी, और इसकी जगह हम क्या लिख देते हैं? एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये किसके इक्वल होता है? फोर्स के। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स के इक्वल होता है। लेकिन आपसे क्वेश्चन में ये नहीं बोला, आपसे सिर्फ ये वाला बोला, इतना बोला चेंज इन मोमेंटम। तो आप परेशान क्यों हो गए? ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एम वी माइनस यू अपॉन टी, ये फोर्स के इक्वल होता है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा था, आपसे पूछा था कि चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर होगा। तो देखो एम वी माइनस यू, या सिंपल कहें यही है ना चेंज इन, एम वी माइनस एम यू, संवेग में परिवर्तन। तो एक आवेग होता है, आवेग समझना इसका, आवेग, आवेग का मतलब होता है कि कोई फोर्स कितने समय तक लगा, फोर्स इंटू टाइम, फोर्स इंटू टाइम, कि कोई फोर्स कितने समय तक लगा, न्यूटन सेकंड, इसकी ऐसा यूनिट होती है। तो हमें समझना है कि क्या ये दोनों हमारे किसी तरीके से इक्वल हो सकते हैं, फोर्स और टाइम। तो फोर्स का क्या होता है? एम वी माइनस एम यू अपॉन टाइम होता है, और टी भी क्या होता है? देखो सुन लो, फिर से सुन लो, कोई बात नहीं, एम वी माइनस एम यू, संवेग में परिवर्तन आ गया। अब देखो जो इंपल्स होता है ये क्या होता है? फोर्स इंटू समय। फोर्स का क्या होता है? अभी मैंने से अभी थोड़ी देर पहले जो बताया था, एम वी माइनस यू अपॉन टी होता है, नहीं होता है चेंज इन मोमेंटम। तो इसको क्या लिख दिया मैंने? एम वी माइनस एम यू अपॉन टाइम, और एक टाइम गुणा में था, था नहीं था, टाइम से टाइम कट गया, तो ये दोनों इक्वल हो गई, नहीं होगी, एम वी माइनस एम यू। तो चेंज इन मोमेंटम किसके इक्वल होता है? इंपल्स, आवेग, ऑप्शन नंबर ए, वेरी गुड, शाबाश, आवेग के इक्वल होता है एम वी माइनस एम यू, चेंज इन मोमेंटम संवेग में परिवर्तन, इंपल्स या आवेग के इक्वल होता है, करके बता दिया। क्योंकि आवेग होता है फोर्स इंटू टाइम, टाइम से टाइम कट गया, क्योंकि मैंने फोर्स को उसका फॉर्मूला लिख दिया, फोर्स भी तो यही होता है चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो टाइम नीचे आएगा, टाइम से टाइम कट गया, और हमारा टाइम भी अच्छे से कटेगा, वेरी गुड, शाबाश। नेक्स्ट कीजिए, इसका ऑप्शन क्या हो गया? ए वाला। निर्वात में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का समान रहता है, क्वांटिटी डेट रिमेन्स कॉन्स्टेंट इन फ्री फॉल इन अ वैक्यूम, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ आज मुझे क्वेश्चन सॉल्व कराने में। क्योंकि असल में है क्या ना बात बच्चे, हमने कॉन्सेप्ट किए हुए हैं, तो मुझे ज्यादा एफर्ट नहीं लगानी पड़ रही, और आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर दो चीज, कोई चीज फ्री फॉल कर रही है वैक्यूम में, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, तो उसका क्या सेम रहता है? स्पीड, वेलोसिटी, एक्सिलरेशन या बल? रेलवे का एग्जाम जून जुलाई से पहले नहीं होगा, और तब तक हम अच्छे से क्वेश्चंस, अच्छे से मतलब सब्जेक्ट कंप्लीट कर लेंगे साइंस को, और ये हर एग्जाम में आता है, याद रखिएगा, ईच एंड एवरी एग्जाम। बिल्कुल सही, सी, एक्सिलरेशन, जो त्वरण होता है वो समान रहता है, जी, ये एक समान रहता है। जब भी कोई चीज फ्री फॉल करती है, क्या बताया था, अगर M1 मान लो कोई 10 किलो की चीज है, कोई 20 किलो की चीज है, दोनों को वैक्यूम में निर्वात में गिराया जाए, तो दोनों सेम समय लेंगी, क्योंकि दोनों पे जो जी लगेगा वो बराबर लगेगा, क्या लगेगा? बराबर। तो दोनों को पहुंचने में
समान, एक्सेलरेशन समान रहेगा, बाकी चीजें चेंज होती रहेंगी। क्वेश्चन नंबर 13, वेट ऑफ अ पर्सन रिमेन्स, किसी व्यक्ति का वजन या भार आपको बताना है कहां। इस क्वेश्चन को आप ही बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। वेरी गुड, सब लोग अच्छे से आंसर कर रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है मुझे, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। शाबाश, वेरी गुड, तुम्हारे क्वेश्चंस के आंसर देख के मेरा मन गदगद हो रहा है और मेरे मन में बहुत अधिक व्याकुलता नहीं हो रही, खुशी हो रही है। वेट ऑफ अ पर्सन रिमेन्स, एक व्यक्ति का वजन अब आपको बताना है, इक्वेटर पर ज्यादा होगा, भूमध्य रेखा पर, ध्रुवों पर ज्यादा होगा, पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होगा, या पहाड़ों पर ज्यादा होगा। फटाफट से आंसर कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड, हटा दीजिए सर। कहां व्यक्ति का वजन कहां होगा, कितना होगा, यह आपको बताना है। तो साफ कह रखा है कि मैंने अभी आपको बताया था, जो जी होता है हमारा वजन क्या होता है, वेट, जो हमारा भार होता है, वजन होता है, वो कितना होता है, एम हमारा द्रव्यमान, और एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारे द्रव्यमान, क्योंकि आपको मैंने बताया था वजन भी एक फोर्स होता है, वजन भी क्या होता है, एक बल होता है, लेकिन हम उसको केजी में लिखते हैं, मैं 60 किलो का हूं, जबकि ये गलत है। मुझे क्या बोलना चाहिए कि मेरा वजन 60 न्यूटन है, ये सही है, क्योंकि वजन मतलब जिस फोर्स से, जिस बल से धरती हमें अपनी तरफ खींचती है, किसी भी चीज को अपनी तरफ खींचती है, उसे हम वेट या भार बोलते हैं, वजन या भार बोलते हैं, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, एम जी, और जी ज्यादा कहां होता है, जी ज्यादा होता है ध्रुव पर, पोल्स पर होता है, नहीं होता है 9.8 लगभग, तो हमारा वजन भी ज्यादा कहां होगा, पोल्स पर। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। भूमध्य रेखा पर कम होता है, पृथ्वी की हर एक सतह पर तो बराबर नहीं होता, क्योंकि सतह पे तो ध्रुव भी आते हैं, ध्रुव पर ज्यादा होता है, पोल्स पे और इक्वेटर पे क्या होता है, कम होता है, जी भूमध्य रेखा या इक्वेटर पे क्या होता है, कम। तो जहां ज्यादा वहां वजन ज्यादा, क्योंकि एक दूसरे के कैसे होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। शाबाश, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ट्रेन तुम्हारी पटरी पर आ गई, आने लगी होगी, जो पहले डीरेल थी वो आप लोगों की जो ट्रेन है वो अब धीरे धीरे पटरी पकड़ लेगी, अगर आप ऐसे इनको लिखते रहे। जो लोग सिर्फ स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो बाबू तुम्हें गड़बड़ हो जाएगी, तुम लोग लिखो, सब लोग पहले बताओ कितने लोग आप लोग नोट्स बना रहे हो, क्योंकि नोट्स बनाने की सबसे पहले बात मैं ही करता हूं। सीडीएस वाले क्लास से आपको नोट्स बनवाने शुरू किए हैं, अब ये बताओ कितने लोग नोट्स बना रहे हो जो कॉपी में लिख रहे हो। क्वेश्चन बताइए, वेट ऑन मून, किसी का जो वजन चांद पर है वो है 60 न्यूटन, अब आपको उसका वजन पृथ्वी पर बताना है, अर्थ पे कितना होगा। शाबाश, वेरी गुड, शाबाश, एक बच्चे ने कहा है अभी तक, दो बताओ, 3-4 हजार में से दो बच्चों ने कहा है, वेरी गुड। देखो बच्चे, जो हटाइए सर, जो हमारा वजन वेट अर्थ या धरती पर होता है, पृथ्वी पर, उसका मतलब 1/6 किस पर होता है, मून पर या चांद पर, समझ रहे हो, हमारे वजन का 1/6 चांद पर होता है, तो चांद पर वजन कितना है, 60 न्यूटन, हमें किस पे निकालना है, धरती पर, कहां निकालना है, धरती पर। तो अगर मान लो हमारा वजन पृथ्वी पर 160 किलो था, तो चांद पर कितना हो जाता, 10 न्यूटन, मतलब पृथ्वी के वजन का 1/6, पृथ्वी के वजन का
एक बटा छ कितना होता है? मून पर होता है। तो हमने ये फॉर्मूला दिमाग में रखा, चांद की जगह चांद का वजन रख दिया 60 किलो और हमें अर्थ पे निकालना था, ये हमें निकालना था और एक बटा छ क्या होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो छ 6 × 60 कितना हो गया 360 न्यूटन। हमारा वजन कितना हो जाएगा धरती पे 360 न्यूटन। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन सर, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश, आनंद आ रहे होंगे ना, सारे क्वेश्चन करोगे एकदम जिंदाबाद तरीके से। अगला क्वेश्चन है, आपको अब की बार अर्थ पे वेट बता रखा है, आपको मास निकालना है। शाबाश वेरी गुड बेटा, कोशिश कर रहा हूं मैं आपको अच्छा एक्सप्लेनेशन देने की, कहीं थोड़ी बहुत भूल हो जाए तो माफ कर देना, दोबारा वीडियो देख लेना, फिर से कोशिश हो जाएगी। हमारे और हमारा वजन पृथ्वी पर और चांद पर, उसका उसका कारण यह है कि जो मून पर जी की वैल्यू होती है वो अर्थ की वैल्यू के 1/6 हो जाती है। तो टोटल देखेंगे एमजी अर्थ, तो हमारा अर्थ पे वजन तो डिवाइडेड बटे 6, क्योंकि अगर हमारे यहां पे 9.8 है तो वहां पे 6 से भाग कर दो, इतनी कहां पे हो जाती है, मून पे। और सन पे हमसे 27 गुना, अगर सूरज की बात करें, सूरज बहुत बड़ा है तो हमसे 27 गुना हो जाती है, तो हमारा वजन वहां पे 27 गुना बढ़ जाएगा सूरज पे। देखो आपको मास आपका वेट दे रखा है, वेट 39.2 न्यूटन, आपसे द्रव्यमान पूछा है, मास सर हटा दीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, फटाफट से बताइए, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। तो देखो बाबू, अभी मैंने क्या बताया था, वजन बराबर द्रव्यमान गुणा जी, वजन बराबर द्रव्यमान गुणा जी, वजन कितना दे रखा है 392 39.2 न्यूटन, मास पूछा है, जी की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है 9.8, ये गुणा में है, इधर आके क्या हो जाएगा, ये उधर मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, इससे कट गया, 4 × 32 का 2 हंसे लगा 3, 4 × 9 = 36 और 3 = 39 कितनी बार कट गया, 4 times, तो मास कितना हो गया 4 kg, मास कितना हो गया 4। तो अगर किसी का वजन इतना किलो है तो बेटा याद रखना उसके अंदर की जो बॉडी है पूरी वो इतनी है, 4 kg, जो पदार्थ है ना, जो मैटर है वो 4 kg है। 10 न्यूटन कहां से आ गया बाबू, 4 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, फिर से एक न्यूमेरिकल है, ठीक है, एक तरफ द्रव्यमान दे रखा है और एक तरफ दे रखा है वेट, निकालना है अब की बार आपको, मास दे रखा है 2 kg और आपसे वेट पूछा है, सेम क्वेश्चन बस उल्टा कर दिया है, वेरी गुड। देखो इसका भी सर हटा दीजिए, फॉर्मूला सेम हो जाएगा, वेट निकालने के लिए m गुणा g, तो m की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, g की वैल्यू कितनी हो गई 9.8, 2 × 8 = 16 2 × 9 = 18 और 1 = 19, 19.6 न्यूटन या kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 19.6 न्यूटन, शाबाश। क्योंकि W इक्वल टू क्या होता है mg, m की वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 9.8, तो क्या हो गया वेट 19.6। अगला क्वेश्चन सर, फटाफट फटाफट कीजिएगा बच्चा, लाइक जरूर कर दीजिएगा साथियों, जिससे कि मुझे मेरी हैसियत पता चलती रहेगी, ठीक है, शाबाश। जनरल साइंस 30 मार्क्स की आएगी, सबसे ज्यादा जनरल साइंस है और तुम लोग सबसे कम जनरल साइंस पे ध्यान देते हो। बेटा इतनी आसान होती है अगर तुम डेली पढ़ोगे ना, तुम डेली क्लास में आओ, पूछो मुझसे जो चीज नहीं आ रही, बहुत आसान होती है। अगला क्वेश्चन है, बर्फ पर चलना क्यों कठिन होता है, Why it is difficult to walk on ice? बर्फ पर चलना क्यों कठिन होता है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, शाबाश।
वह सख्त होती है, वह नरम होती है, वह प्रतिक्रिया नहीं देती, उस पर कम घर्षण होता है। कल ही कराया था कि बर्फ पे चलना इसलिए कठिन होता है क्योंकि उसमें लेस फ्रिक्शन होता है, वो चिकनी होती है बहुत ज्यादा बर्फ की सतह, जिसकी वजह से हमारे जो पैरों के जो ग्रिप है वो अच्छे से नहीं बन पाती। इसलिए बर्फ पे चलने के लिए कांटे वाले जूतों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। शाबाश, बहुत अच्छे, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 18, अगर आप पृथ्वी से मंगल ग्रह पर जाते हैं, इफ यू गो टू मार्स फ्रॉम अर्थ, तो क्या चेंज होगा? व्हाट विल चेंज? भार वेट चेंज होगा, आपका मास चेंज होगा, या दोनों बदलेंगे, या दोनों में से कुछ नहीं? वेरी गुड, ड्यू टू लेस फ्रिक्शन। ए डी कहां, ए सी कहां से आ रहे हैं ऑप्शन? डी वाला सही है, क्योंकि घर्षण कम होगा, इसकी वजह से हम चल नहीं पाएंगे, बाकी सब कुछ नहीं होगा। बिल्कुल सही, अगर आप बेटा हटाना सर क्वेश्चन को, अर्थ से पृथ्वी से मंगल ग्रह पर जाते हैं, मंगल मार्स, तो क्या होगा कि जी चेंज हो जाएगा। जो जी है ना, ये अर्थ से अगर आप मार्स पे जाते हैं तो जी यहां पर ज्यादा है, वहां पर कम है, थोड़ा सा हल्का सा कम है। पर आपको पता है अगर जी हल्का सा कम हो गया तो आपका वेट, आपका वजन क्या हो जाएगा? कम। जबकि मैं 100 बार बता चुका हूं, मास, द्रव्यमान संरक्षित रहता है, कंजर्व रहता है, कभी नहीं बदलता, कांस्टेंट रहता है, एक समान रहता है। आप दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, आपका जो द्रव्यमान है, मास है, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, इट विल बी कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 18 का? ए। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर ए, ओनली वेट चेंज होगा, द्रव्यमान कभी चेंज नहीं होगा। शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर एक व्यक्ति का आभासी भार कितना होगा, अगर एक व्यक्ति का आभासी भार या प्रत्यक्ष भार, प्रत्यक्ष तो गलत, हां वास्तविक भार से कम है तो लिफ्ट जा रही है। अगर किसी का अपेरेंट वेट एक्चुअल वेट से कम है तो लिफ्ट कहां जा रही है? डाउनवर्ड विद एक्सिलरेशन, अपवर्ड विद एक्सिलरेशन, समान वेग से नीचे या समान वेग से ऊपर? बेटा हमारी टेस्ट सीरीज आप परचेज कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, और ईमानदारी, जैसे मैं आपको ईमानदारी से पढ़ाने की कोशिश करता हूं, आपके साथ धोखा नहीं करता कि आया कुछ भी पढ़ा के चला गया, इसी तरह आप ईमानदारी से शेयर कर दिया कीजिए, कम से कम जितने लोग लाइव देखते हैं उतने लोग तो शेयर कर दिया कीजिए, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए जो लोग नए आए हैं। देखो इसका एक कॉन्सेप्ट याद रख लो, अगर हम ऊपर जा रहे हैं, कोई बच्चा छोटा है ऊपर जा रहा है, इसका मतलब वो क्या हो गया? बड़ा हो गया। तो अगर हमारा आभासी वजन या कहें अपेरेंट वेट जो हमें महसूस होता है वो एक्चुअल वेट से ज्यादा हो जाता है, एक्चुअल वेट से क्या हो जाता है? ज्यादा। आभासी वजन हमारा वास्तविक वजन से बढ़ जाता है, बढ़ने का मतलब नीचे से ऊपर। अरे हम छोटे हैं तभी तो हम बढ़ गए, तो बढ़ने का मतलब हमेशा समझना नीचे से ऊपर। अगर कोई चीज बढ़ती है, पेड़ बढ़ता है तो नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता है, तो इसका मतलब लिफ्ट कहां जा रही है? ऊपर की तरफ जा रही है, अपवर्ड विद एक्सिलरेशन, ऊपर जा रही है त्वरण के साथ, त्वरण के साथ ऊपर, अपवर्ड विद एक्सिलरेशन। अगर आभासी वजन बढ़ा है, सेकंड अगर आभासी वजन जो हमारा अपेरेंट वेट है, ये याद कर लो, ट्रिक हो गई इसकी, वास्तविक से कम है, वास्तविक, जैसे इस वाले क्वेश्चन में पूछा है,
एक्चुअल वेट से क्या है हमारा आभासी? कम है, अपेरेंट वेट। अब कहोगे आभासी क्या होता है? तो लिफ्ट में जब लिफ्ट एक्सिलरेशन से ऊपर नीचे जाती है तो हमें जो वजन महसूस होता है उसे हम आभासी कहते हैं, और जो लेकिन हमारा एक्चुअल कुछ और होता है, क्योंकि वेट क्या होता है? एम जी, इस जी की वैल्यू पे डिपेंड करता है। ऊपर जाते हैं तो एक नीचे से रिएक्शन बढ़ जाती है, नीचे आते हैं तो कम हो जाती है। ठीक है, तो अगर नीचे आ रहे हैं, कहां आ रहे हैं? त्वरण के साथ नीचे, त्वरण के साथ नीचे, डाउनवर्ड विद एक्सिलरेशन, डाउन विद एक्सिलरेशन। तो नीचे का मतलब किसी के नंबर नीचे आ गए, इसका मतलब कम हो गए। तो कम में हमेशा वैल्यू कहां जाती है? नीचे। और बढ़ने में हमेशा कहां जाते हैं? ऊपर। तो ये जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, इसका आंसर हो जाएगा डाउनवर्ड विद एक्सिलरेशन, ए। सही है, ऐसे याद कर लो, आसान रहेगा। अब कहोगे सर ये आता क्यों है? तो वो बेटा ये रिएक्शन की बात होती है। ये जो जैसे हमारा वजन mg नीचे है ना, तो इसके अपोजिट एक ma फोर्स लगता है ऊपर की तरफ, बल। तो ये वैल्यू प्लस हो जाती है जो ऊपर जाते हैं तो बढ़ जाती है, नीचे आते हैं तो नीचे आना मतलब घटना, ऊपर आना मतलब बढ़ना, हमेशा त्वरण के साथ। अगर त्वरण नहीं है, कांस्टेंट कोई त्वरण नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जितना वेट हमारा है और ये दोनों वेट इक्वल रहेंगे। ये मैंने आपको वीडियो में भी अच्छे से समझाया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, रेलवे बुक्स का नाम, साइंस की जो भी बुक मार्केट में अच्छी आ रही हो सब्जेक्टिव, उसे ले लो, ल्यूसेंट ले लो, अरिहंत ले लो, और भी जो आ रही है उन्हें ले लो। ऑब्जेक्टिव के लिए यूनिक, स्पीडी, जो मन करे वो ले लो, और नहीं तो जो ये वीडियो में क्वेश्चन हो रहे हैं ना, ईमानदारी से क्या करो, नोट्स बनाओ क्लास के, और ईमानदारी से वीडियो को शेयर लाइक कर दो। इसी का आपको सारा, इन्हीं क्वेश्चनों में से सारा पेपर आ जाएगा, क्योंकि साइंस है और कहां से देंगे। अब आपको ये तो कहेंगे नहीं, मार्स पे देख के जाओ और अपना वजन पता करके आओ, मंगल ग्रह जाओ, ये आपसे ये नहीं कहेंगे कि एक काम करो गुरु जी या बच्चे लोग कि रेलवे, रेल का डिब्बा बनाओ और रेल के डिब्बे को बिना पानी के बिना तेल के चलाओ। अरे ऐसे थोड़े ना पूछेंगे, सिंपल सिंपल साइंस के क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, अभी मैंने बताया एक पिंड सूर्य के चारों ओर घूम रहा है, उसकी अधिकतम चाल किस पे होगी? ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे या डी पॉइंट पे? फटाफट बताओ, कितना अच्छा क्वेश्चन आया है। और यह भी बताओ कौन से केपलर के कौन से नियम से है, ये भी बताओ केपलर के कौन से नियम से है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो वस्तु सूरज के चारों पास होगी उसी का वेग क्या होगा? ज्यादा होगा। इनमें से कौन सी ज्यादा है? ए। कौन सी ज्यादा पास है? ए नाम की ज्यादा पास है। सेकंड लॉ ऑफ केपलर, केपलर का सेन दूसरा लॉ था ना, सेकंड नियम, द्वितीय नियम, जिसमें क्षेत्रीय वेग की बात की गई थी, एरियल वेलोसिटी, ऐसा क्वेश्चन एक पहले भी आया है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? ए वाला, ए वाला। क्वेश्चन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? ए वाला, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 21, केपलर्स का सेकंड लॉ है, सेकंड, जिसमें एरियल वेलोसिटी की बात की गई है, ए पॉइंट पे अधिक होगी और जो सबसे दूर है बी वाली उसके सबसे कम होगी, सी डी लगभग बराबर है, इनकी एक जैसी होगी। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है एक ईंट को 2 किलोमीटर ऊंचाई से गिराया गया है एक एरोप्लेन से, अ ब्रिक इज थ्रोन वर्टिकली फ्रॉम एन एयरक्राफ्ट फ्लाइंग 2 किलोमीटर अबव द अर्थ। एक ईंट को धरती से 2 किलोमीटर ऊपर से गिराया गया, तो बताइए कि उनकी क्या होगी समान? फटाफट से बताइए, कांस्टेंट स्पीड, समान चाल, कांस्टेंट वेलोसिटी, समान वेग, कांस्टेंट एक्सिलरेशन, समान त्वरण। तो वही बात है भाई, पृथ्वी पे जी की वैल्यू तो सेम ही होगी, ऊपर से गिर रही है तो उस पे जी तो एक जैसा ही लगेगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर वाला जो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही लगेगा ना जी। तो कांस्टेंट एक्सिलरेशन, समान वेग से नीचे गिरेगी। 21 का सी पहले भी अच्छे से समझाया क्वेश्चंस में। 22, बिल्कुल सही, गलत आंसर नहीं, कांस्टेंट एक्सिलरेशन,
वेरी गुड बाबू, अगर किसी को हमारी रेलवे, यूपी पुलिस, एसबीआई या किसी और चीज की टेस्ट सीरीज खरीदनी हो तो www.wifistudy.com wifistudy.com और इसका लिंक परचेज करने का टेस्ट सीरीज को वो हमारे इसमें भी है, डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी स्पीड मतलब आपको हो जाएगा मतलब फायदा, आपकी स्पीड वगैरह पता चल जाएगी, कितने नंबर वगैरह आ रहे हैं, कितना आप पे आता है, और हम लोगों की थोड़ी सी आपका दान जैसा मान लो, क्योंकि जो रेट है, जो उसके पैसे हैं वो इतने कम है कि मार्केट में उससे कम, फिर हमें 3 टाइम की जगह 2 टाइम पे तुम रोटी खाने पे आ गए, हो सकता है हमें 1 टाइम पे आना पड़े और कुछ को 1 टाइम की छोड़ के दूसरे टाइम में खानी पड़े, ठीक है, इतने कम रेट रखे हैं, तो मन हो तो ले लीजिएगा, अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, बेस्ट। क्वेश्चन नंबर 22 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अलग अलग ग्रह पर अलग अलग भार होता है, गलत बताना है। वस्तु का द्रव्यमान, मास का जो मास होता है मून, अर्थ या खाली अंतरिक्ष में भी समान होगा। जी की वैल्यू पोल्स पे अधिकतम होती है और डी वाला ऑप्शन है ऑन अर्थ सरफेस वेट एंड मास आर इक्वल, पृथ्वी की सतह पर भार व द्रव्यमान बराबर होते हैं। अब बाबू 150 रुपए में तो पुअर और बोनी देखा जाता है, ये तो वो वाली बात हो जाएगी, 150-200 रुपए में क्या पुअर आ जाएगा। अब एक काम करो, तुमने 62 किलो पे ज्वाइन किया था वाईफाई स्टडी, ठीक है, जब 360,000 सब्सक्राइबर थे, आज 11-12 लाख सब्सक्राइबर हो गए, तो तुमने मेरा 62 से वजन घटा के कर दिया 55, ठीक है, डिस्काउंट के चक्कर में। अब एक काम करो, ये हड्डी बची है, इन्हें भी ले लो। अरे कितना डिस्काउंट लोगे, 62 से 55 पे ला दिया तुमने मास्टर, और अभी भी डिस्काउंट चाहिए तुम्हें। डी वाला, क्योंकि बेटा वेट और मास अर्थ पे अलग अलग होंगे, पोल्स पे ज्यादा होगा और इक्वेटर पे क्या होगा कम, तो ये इक्वल नहीं हो सकते, तो ऑप्शन वाला डी वाला जो है वो गलत है, जबकि अलग अलग प्लैनेट पे अलग अलग भार होगा, ये तो अभी हमने डिस्कस किया, जिस पे जी ज्यादा वहां पे आपका वजन ज्यादा, जहां पे जी कम वहां पे वजन कम। वस्तु का द्रव्यमान चंद्रमा, पृथ्वी और अंतरिक्ष में समान होता है, होता नहीं होता है, क्योंकि मास जो होता है वो एकदम इक्वल होता है सबका, मास कभी अलग नहीं होता। जी की जो वैल्यू है वो पोल्स पे अधिक होती है, ये बात भी सही है। डी वाला गलत है कि पृथ्वी की सतह पर भार द्रव्यमान बराबर होते हैं, क्योंकि कहीं पोल्स पे वेट ज्यादा हो जाएगा और मास उतना ही रहेगा जितना था हमेशा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, करूंगा डिस्काउंट किसी दिन, अच्छा खासा डिस्काउंट हो, पता चला मास्टर हो गया भर्ती और फिर तुम डिस्काउंट में रहना। एनडीए क्लास भी आएंगी बाबू, मैं कैसे बताऊं, ये उसके लिए भी जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 23, दो क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन और हैं, फिर स्कोर बताना, इनमें भी आपको बताना है कौन सा गलत है। रोटेशन टाइम ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट एंड अर्थ सेम होता है, भू स्थिर उपग्रह का घूर्णन समय पृथ्वी के घूर्णन समय के बराबर होता है। सेकंड, जो ऑर्बिट होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का वो जो पोलर सैटेलाइट होते हैं ध्रुवीय उपग्रह उनसे ज्यादा ऊंचा होता है या दूर होता है, और पोलर सैटेलाइट का जो घूर्णन समय होता है वो रिलेटिवली अपेक्षाकृत कम होता है, कौन सी बात सही है। जी के बेटा क्लियर नहीं है, हालांकि सिलेबस में नहीं दे रखा, करंट अफेयर में दे रखा है। अगर किसी को जीके की क्लास लेनी हुआ करें तो शाम रात 8 बजे चलती हैं, हर एक में आती है वो चीजें, जीके जो चल रही है हर एक एग्जाम में आती है। बेटा ये सारे के सारे बातें बिल्कुल सही है, याद रखिएगा मैंने क्या बताया था, भू स्थिर मतलब जियो स्टेशनरी, ए पॉइंट पे है तो 24 घंटे में अगर धरती घूमेगी तो 24 घंटे में सैटेलाइट भी घूमेगा, इसीलिए हमेशा उसे एक जगह ही देखेंगे। अगर यहां पे है तो हमें वो एक ही जगह दिखाई देगा, क्योंकि पृथ्वी भी उतने समय में घूम रही है और सैटेलाइट भी, तो ए वाला ऑप्शन सही हो गया। बी वाले में कहा गया है कि जो पोलर सैटेलाइट होते हैं वो पास होते हैं, पोलर सैटेलाइट क्या होते हैं, धरती के पास होते हैं,
और जो ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होते हैं वो बहुत दूर होते हैं, 36,000 किलोमीटर के बराबर, और ये पास होते हैं उतने ज्यादा, 500 किलोमीटर इस तरह से, पोलर सैटेलाइट जो होते हैं। तो ये बात भी सही है, बी ऑप्शन भी सही है। सी ऑप्शन कहता है कि पोलर सैटेलाइट कम समय लेते हैं घूमने में, बिल्कुल सही बात है। आपको भी बताया जिसकी कक्षा पास होगी, जो पास होगा या नियर बाय होगा उसको कम समय लगता है घूमने में, जो दूर होगा उसको ज्यादा समय। सी ऑप्शन भी सही हो गया। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या हो गया, डी। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या हो गया, डी। सारे के सारे सही है, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी गलत नहीं है, सारे के सारे ऑप्शन सही है, नन ऑफ दीज। 22 का आंसर बताया तो था डी वाला होगा, अर्थ और अर्थ पे वेट, क्वेश्चन नंबर 22 का डी वाला बताया तो था बच्चा, वेट और मास अर्थ सरफेस पे बराबर नहीं होते। अर्थ सरफेस पे पोल्स भी आते हैं, ध्रुव पर हमारा वजन ज्यादा होता है, मास उतना ही रहता है, इक्वेटर पे हमारा कम होता है। क्वेश्चन नंबर 24, ये आंसर अपने आप दे दो। अगर किसी का अपारेंट वेट वास्तविक भार से ज्यादा है, आभासी भार वास्तविक भार से अधिक है, अधिक मतलब ज्यादा, ज्यादा मतलब किधर जा रही है लिफ्ट, जल्दी बताओ, लिफ्ट ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, दाएं जा रही है बाएं जा रही है, बेटा हिंदी में लिख रहा हूं सारा का सारा। बेटा पोलर सैटेलाइट वो सैटेलाइट होते हैं जो नॉर्थ टू साउथ पोल्स के ऐसे गति करते हैं, जबकि ये जो होते हैं जियो स्टेशनरी ये वेस्ट टू ईस्ट गति करते हैं। पोलर सैटेलाइट ध्रुवीय सैटेलाइट, इनका वजन लगभग, इनका जो वो होता है 84, जो सबसे पास है पृथ्वी के उसका लगभग 84 मिनट के बराबर समय होता है। ये नॉर्थ टू साउथ, ये मैंने वीडियो में बताया है, और ये जो होते हैं ये ईस्ट टू वेस्ट टू ईस्ट गति करते हैं जियो स्टेशनरी, और ये पोलर सैटेलाइट इस तरह से, ये मौसम के लिए होते हैं पोलर सैटेलाइट, और ये जो टीवी वगैरह पे आप देखते हो, डिश टीवी वगैरह पे, उसके लिए। अभी आपको क्या बताया, अगर वेट बढ़ा हुआ है, बढ़ा हुआ है तो लिफ्ट कहां जा रही है, ऊपर जा रही है। भाई ज्यादा का मतलब ऊपर जाना, कम का मतलब नीचे जाना, हो गई बात। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लिफ्ट ऊपर जा रही है, बी। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 25, लास्ट क्वेश्चन आज का, जल्दी बताइए, ऊपर जा रही है ना, क्वेश्चन याद होगा ना, मैंने भी बताया था, एमपी पुलिस में भी आता है ये सब, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 25, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की नियतांक या विमाएं क्या हैं, मतलब आपको उसकी यूनिट और विमाएं बतानी है, बहुत क्वेश्चन आता है ये, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की विमाएं क्या हैं, शाबाश। नेक्स्ट देखिए, अब इसको कर लेते हैं सर, इसको हटा दीजिए और देखो बेटा, ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण, तो गुरुत्वाकर्षण का नियम कहता है कि गुरुत्वाकर्षण जो फोर्स होगा वो होगा जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। मान लो कोई दो वस्तु हैं ए और बी, उनके बीच में कितनी दूरी है, आर नाम की दूरी है, इसका वजन एम वन है, इसका वजन कितना है M2, तो ये एक दूसरे के प्रति जो ग्रेविटेशन फोर्स लगाएंगी, गुरुत्वाकर्षण बल लगाएंगी, वो किसके बराबर होगा, न्यूटन ने दिया था इसका F इक्वल टू जी, उसी के चांद पे एप्पल फूटा था, क्या नाम है, सेब, और हमारा भैया देखो सेब उसके सर पे फूटा और हमारा सेब कट गया, तब से पढ़े जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा कब तक पढ़ेंगे फिजिक्स या मतलब ये गुरुत्वाकर्षण वगैरह। तो F इक्वल टू जी M1 M2 R का स्क्वायर। अब सोचो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी विमाएं क्या होंगी, याद कर लेना अच्छा रहेगा, अगर कोई रटने वाला है तो, और नहीं रट पाओ तो देखो ये क्या है, दूरी है, ये क्या है, दूरी, तो ऐसे इसको ऐसे लिख लो, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, R इधर आ जाएगा और M1 M2 इधर आ जाएगा, क्लियर है, G का निकालना है ना हमें, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, F
F का क्या होता है? न्यूटन। ये दूरी है, दूरी को किसमें नापते हैं? मीटर में। तो दो बार मीटर, मीटर का स्क्वायर। ये क्या है? द्रव्यमान, मास, किलोग्राम में। तो किलोग्राम इंटू किलोग्राम, किलोग्राम का स्क्वायर। तो इसकी ऐसा यूनिट क्या हो गई? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब देखो इसमें है न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखो ए ऑप्शन में कट गया उसमें, नहीं ए ऑप्शन भी सही है। बोला यार बी में तो पर तो लगा नहीं रखा, तो बी वाला गलत हो गया, सी वाला अपने आप गलत हो गया, इसमें भी हमने ये वाला साइन नहीं लगा रखा पर वाला, और डी वाला भी। तो एक से ही हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया। हमें विमाएं नहीं पता थी लेकिन हमें ऐसा यूनिट पता लगा ली हमने, हमने जी की ऐसा यूनिट पता लगा ली। न्यूटन, आर दूरी होती है, दूरी को मीटर में लिखते हैं, और किलोग्राम गुणा किलोग्राम, किलोग्राम किलोग्राम का स्क्वायर। अब विमाएं की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? विमाएं। तो देखो न्यूटन, न्यूटन है फोर्स। अब हमें मान लो फोर्स का याद नहीं आ रहा लेकिन हमें यह तो पता है फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सिलरेशन। भाई मीटर का तो हमें पता है दो बार एल, एल का स्क्वायर, और किलोग्राम का भी पता है मास किलोग्राम को, की विमाएं क्या होती हैं एम, तो एम का स्क्वायर। अब ये एम इंटू ए है, एक एम आ गया और ए की जगह क्या आ गया? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एल और सेकेंड का स्क्वायर नीचे। भाई एम इंटू ए है, मास इंटू एक्सिलरेशन, एक्सिलरेशन क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर को किसमें लिखते हैं? लेंथ, और सेकेंड का स्क्वायर क्या हो जाएगा? टाइम का स्क्वायर, टी का स्क्वायर, और मास किलोग्राम, तो किलोग्राम का क्या हो गया? एम। ठीक है, तो ये क्या हो गया? एम एल अपॉन टी स्क्वायर। अब इनको कर दो, एक एम यहां पे है, इसका एक, इसका दो, एक कट के क्या रह गया? क्या रह गया? एक। ये एक ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का वन। देखो यहां पे एक एम था, यहां पे दो एम, एक से एक कट गया, नीचे एक बचा। तो अगर नीचे की वैल्यू जो पावर होती है ऊपर जाती है, प्लस क्या हो जाती है? माइनस। एल वन, एल टू क्या हो गई? एल थ्री। यहां पे नीचे टी की पावर कितनी है? टू, प्लस में ऊपर जाके क्या हो जाएगी? माइनस में। तो क्या हो गया ये? एम माइनस वन, एल थ्री, टी माइनस टू। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या हो गया? ए। फटाफट से मुझे स्कोर बताइए जल्दी से, फटाफट से स्कोर बताइए जल्दी से। शाबाश, अरे वाह, संजीव, निशा, सुनील, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। 1924 पटेल, विमल, अब मेरा भी जी बेटा, जी जी पढ़ा पढ़ा के मेरा भी भूख से जी निकल गया, जी जी पढ़ा पढ़ा के भूख से निकल गया जी। शाबाश भाई, वाह, बहुत अच्छे मार्क्स आ रही हैं। रवि, सुचिता, निशा, सौम्या, टिप्स, विकास, ओम प्रकाश, संदीप, विकास, अंकित, अर्जुन, राहुल, सौरभ, विश्वजीत, रामा, आकाश, मनोज, हेमंत, राव, गौतम, अमित, बिट्टू, सौम्या, राजा, चंदन, आकाश, राजेंद्र, विकास, भुवनेश। भाई बहुत जबरदस्त आंसर आए, बहुत बच्चों के अच्छे अच्छे नंबर हैं। जिसका नहीं आया बेटा दोबारा से वीडियो देखो, इस शनिवार इतवार 15-16 तो आज हो गई, कल 17, 17 वीडियो है। आराम से आप चाहो तो सैटरडे संडे कंप्लीट करके क्वेश्चन करके इस पोर्शन को अच्छा बना सकते हो। फिर उसके बाद में हम सोमवार से वेव, तरंग, साउंड, लाइट, ये सब पढ़ेंगे। भाई बहुत अच्छे, मजा आ गया, तुमने मेरा मन खुश कर दिया। और इसीलिए तुम्हें एक चीज सुना रहा हूं, सुन लेना, कि ना किसी का फेंका हुआ मिले, ना किसी का छीना हुआ मिले, मुझे बस मेरे नसीब का मिले, और ना मिले तो वो भी गम नहीं, ना मिले तो वो भी गम नहीं, मुझे बस मेरी मेहनत का किया हुआ मिले, मुझे बस मेरी मेहनत का लिखा हुआ मिले। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। कल मिलते हैं, कल ये पढ़ के आना, कल का होमवर्क दे रहा हूं, ये पढ़ के आना, सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव, और विस्कोसिटी, विस्कोसिटी, श्यानता, इलास्टिसिटी, प्रत्यस्थता, और एक और होता है इसमें कैपिलरिटी, कैपिलरिटी, केश नली,
और एक और होता है चार प्रेशर, प्रेशर और पढ़ के आना, ठीक है। दो तीन घंटे क्लास चलेगी, पांचों टॉपिक को कंप्लीट करेंगे जिससे शनिवार इतवार में क्वेश्चन कर सकें। अगर अच्छा लगे वीडियो को ईमानदारी से शेयर करना, लाइक करना। मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट सेशन में। जिंदाबाद, जबरदस्त, शानदार। जय हिंद, जय भारत। हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया। डेली करंट अफेयर सुबह 8 बजे। जनरल साइंस सुबह 9 बजे। मैथ्स मैजिक शाम 5 बजे। रेलवे की रीजनिंग शाम 6 बजे। मंडे टू फ्राइडे बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को।